एग्जाम्स। थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज के बाद आई थिंक अब हमारा सेशन कंप्लीटली स्मूथ चलेगा। ठीक है, अभी प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल आई थिंक मैं आप लोगों के लिए हूँ। आई थिंक ऑल द इश्यूज आर सॉर्टेड। चलो अब सब सही है तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। मैंने आप लोगों के यहाँ के कमेंट्स तो पहले ही देख लिए थे कि यस, यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट है अबाउट द अपकमिंग अपकमिंग एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि साइटोस्केलेटन की हमारी सीरीज चल रही है। हमने माइक्रोट्यूब्यूल टॉपिक करा हुआ है, हमने माइक्रोफिलामेंट कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम देखेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ में आपके लिए आज दो सरप्राइजेस हैं। हाउ मेनी सरप्राइजेस आर देयर? देयर आर टू सरप्राइजेस फॉर यू पीपल। सो सेशन में बने रहिए, मैं बीच में आपको इन सरप्राइजेस के बारे में बताऊंगी। सो इट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ये सरप्राइजेस आपको काफी हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ पर साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। यहाँ पर हमने ये पिक लगाया हुआ है इंटरमीडिएट फिलामेंट का कि दिस इज योर इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैं यहाँ पर प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगी अभी इंटरमीडिएट फिलामेंट को, पर जो स्टूडेंट्स माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके पहले वाले सेशन अटेंड कर चुके हैं, वो जल्दी से मुझे आंसर देंगे कि क्या ये जो माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, क्या इनमें पोलैरिटी होती है, और क्या इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या इसमें पोलैरिटी होती है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए, इसका आंसर मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, यहाँ पे ऋषिकेश ने मुझे पूछा है अमंग ब्रूस एल्बर्ट एंड काफ विच इज बेटर फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी। ओके ऋषिकेश, मैं यहाँ पर इसे थोड़ा इस तरह से लेना चाहूंगी कि अगर आप कंफर्टेबल हो किसी एक पर्टिकुलर बुक की लैंग्वेज के साथ तो आप वो बुक प्रेफर करिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि विच बुक आई पर्सनली प्रेफर, तो कुछ टॉपिक्स के लिए मैं एल्बर्ट्स को रेफर करती हूँ, कुछ टॉपिक के लिए काप को रेफर करती हूँ। बोथ ऑफ देम आर गुड बुक्स, यू कैन रेफर एनी ऑफ इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ब्यूटीफुल से कोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। एक हार्डवर्किंग पर्सन होता है और एक हाईली टैलेंटेड पर्सन होता है। जब इस तरह की स्टडीज होती हैं, जब भी देखा जाता है कि हार्डवर्क ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाता है, या जो इनहेरेंट टैलेंट होता है, इनबॉर्न टैलेंट होता है, वो किसी को सक्सेसफुल बनाने में मेजर रोल प्ले करता है, तो हमेशा यही देखा गया है कि हार्डवर्क जो करता है वही विनर होता है, वही सक्सेसफुल होता है। जो कंसिस्टेंटली अपना गोल सामने लेके उसकी तरफ वर्क करता है, उसे ये समझ में आता है कि आई हैव टू बी डेडिकेटेड टू इट, वो इंसान सक्सेसफुल होता है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्डवर्क, रादर देन एनीथिंग एल्स। स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ पर स्केड्यूल लिखा हुआ है ऑफ योर फैकल्टीज जो कि प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों को, सो यू कैन चेक आउट द स्केड्यूल कि कौन से फैकल्टी की कब क्लासेस होती हैं। वैसे तो सारी क्लासेस, जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, वो सारी क्लासेस आपको अटेंड करना चाहिए। यहाँ पे स्केड्यूल है, यू कैन फॉलो दिस स्केड्यूल एंड कम एंड अटेंड द क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट का टॉपिक। यहाँ पर आस्था ने मुझे कुछ बोला है, मैम लाइफ साइंस स्टूडेंट में कौन सा टैलेंट होता है, क्यों नहीं होता है? देखो, जब आप इतने साल तक बायोलॉजिकल साइंस पढ़कर आ रहे हो, सभी को मैं एटलीस्ट यहाँ पर मास्टर्स के स्टूडेंट्स मान रही हूँ, और मास्टर्स के बाद वाले भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो जब आप 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ते हो, जब आप ग्रेजुएशन में बायोलॉजी पढ़ते हो, लाइफ साइंस पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, तो आपका माइंड उसी तरह से ट्रेन हो जाता है कि हाँ, दिस आई नो। ठीक है, अब किसी का ग्रैस्पिंग पावर थोड़ा सा क्विक हो सकता है, किसी का थोड़ा वीक हो सकता है, कोई ऐसा होता है जिसे बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल्स का एक्सपोजर है। कोई स्टूडेंट सोच रहा है मैंने तो प्रैक्टिकल करे ही नहीं है, कोविड आ गया था, या फिर मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज से हूँ। सो यहाँ पर अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है। एज फार एज यू आर डूइंग हार्ड वर्क, एवरी वन इज गोइंग टू स्टैंड ऑन द सेम लेवल। इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाह रही थी उस लास्ट कोट से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑलरेडी देख लिया है कि क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स देख चुके हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहाँ पर ये पिक्चर काफी एक्सप्लेनेटरी है कि अगर जब माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स मेजरली कहाँ पर वर्क करते हैं, कहाँ पर हेल्प करते हैं,
स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं जब सेल डिविजन होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये सेल की बाउंड्री बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंडर साइड पे मिलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और जब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को देखा जाएगा तो इनका भी कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड अंडर द सेल अंडर द माइक्रोफिलामेंट ज्यादा होता है, पर ये ओवरऑल रेडिएट कर रहे होते हैं अंडर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस के सर्फेस से बाहर रेडिएट करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट की लोकेशन है। हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है। हेलो निमाई, गुड इवनिंग। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट, अब कोई भी फिलामेंट है, अगर कोई भी फिलामेंट है तो वो फिलामेंट सॉलिड है, हॉलो है, ब्रांच है, अनब्रांच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू नो। तो जब इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, इट इज अ सॉलिड फिलामेंट, इट इज अनब्रांच फिलामेंट, इसके कोई ब्रांचेस बाहर से इसके इसमें से रेडिएट आउट नहीं होती है। एंड इट हैज अ डायमीटर ऑफ 10 टू 12 नैनोमीटर, इनका डायमीटर होता है 10 टू 12 नैनोमीटर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली बीन आइडेंटिफाइड इन एनिमल सेल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ये आइडेंटिफाई होते हैं मोस्टली एनिमल सेल्स में, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की स्ट्रेंथ के बारे में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रोप लाइक होते हैं और एक सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द सेल्स व्हिच आर सब्जेक्टेड टू फिजिकल स्ट्रेस इंक्लूडिंग न्यूरॉन्स, मसल सेल्स एंड द एपिथेलियल सेल्स देन लाइन द बॉडी कैविटी, जहां पर सेल को बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जहां पर मूवमेंट की जरूरत होती है, वहां पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमें काफी ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। अब जब हमने माइक्रोफिलामेंट देखा था, माइक्रोट्यूब्यूल देखा था, तो हमने क्या देखा था कि ये जो सारी चीजें हैं ये एक या दो तरह के कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मिलके बनी होती है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जब हम माइक्रोफिलामेंट्स को पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में लास्ट ट्यूजडे, तब हमने क्या देखा था कि माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो कौन सी मोनोमेरिक यूनिट के बने होते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर दीजिए आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में। ओके आस्था, ओके ओके, तो यहाँ पर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, पहले वाले क्वेश्चन का भी यहाँ पर आंसर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने दे रखा है, मैंने देख लिया है, नाइस। तो जब हम माइक्रोफिलामेंट के बारे में बात करते हैं तो उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है जी एक्टिन, जी एक्टिन उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है या उसकी बेसिक यूनिट होती है। वैसे ही जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बात करते हैं तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की क्या कोई एक सिंगल यूनिट होती है, तो नहीं। इट इज केमिकली हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट इन ह्यूमंस आर एनकोडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 70 डिफरेंट जीन्स, ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट जीन्स के बने होते हैं, ये इसीलिए कोई एक स्पेसिफिक इसकी मोनोमेरिक यूनिट आप नहीं देखोगे। जब आपने माइक्रोट्यूब्यूल देखा था तब भी आपने वहां पर देखा था कि अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन उसकी बेसिक यूनिट होती है, यहाँ पर हम कोई भी एक बेसिक यूनिट को लेकर नहीं चल रहे हैं क्योंकि इसके पास बहुत सारे डिफरेंट जीन्स होते हैं जो इन्हें बना रहे होते हैं। सो दे आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स, और ये जो हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं और इन्हें पांच मेजर क्लास में डिवाइड किया जाता है। और ये जो पांच मेजर क्लास हैं, देख लेते हैं उसके ऊपर चल लेते हैं, ये जो पांच मेजर क्लासेस हैं या इनके जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं ये किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, एक तो कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल क्या फंक्शन है, ओरिजिन के बेसिस पर इनका फंक्शन, बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर इसका क्या स्टैंड है, उसके बेसिस पर ये पांच कैटेगरी में इंटरमीडिएट फिलामेंट को डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट टाइप है, टाइप वन जो है वो एसिडिक केराटिन है, टाइप टू में बेसिक केराटिन फॉल करता है, टाइप थ्री के जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज वाइमेंटिन, डेस्मिन, ग्लियल फाइब्रिली फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन एंड पेरिफेरिन। देन उसके बाद जब हम टाइप फोर देखते हैं तो यहाँ पर न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स आते हैं, नेस्टिन आता है, और जब हम लास्टली देखते हैं टाइप फाइव ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट तो यहाँ पर लैमेंस आते हैं। यहाँ पर इनकी लोकेशन क्या है, केराटिन देखे तो केराटिन जो है वो एपिथीलियल सेल्स में होंगे, देन उसके बाद वाइमेंटिन, डेस्मिन इनकी लोकेशन न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स अगर देखेंगे तो ये न्यूरॉन्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कॉम्पोजिशन बनाते हैं।
लैमिन्स जो होते हैं ये यूजुअली न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म करते हैं. जब भी आप सेल डिवीजन देखेंगे या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लैमिन्स के बारे में दिखेगा. सो लैमिन्स जो है इट इज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो हमें यहाँ पर जो बेसिक ग्रॉसली याद रखना है कि वो कौन कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट है. बहुत स्पेसिफिकली क्लासेस नहीं भी याद रहेंगी तो इट्स ओके, बट यू शुड नो कि कौन कौन सी चीजें इसमें फॉल करती है. राइट, सो आई होप ये सभी स्टूडेंट को क्लियर है. आगे चलते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है क्या ये दूसरे फिलामेंट से भी एसोसिएटेड है. साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल और आपके माइक्रोफिलामेंट है, क्या ये उनसे भी एसोसिएटेड होते हैं. तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये दूसरे साइटोस्केलेटल फिलामेंट से भी अटैच्ड होते हैं. किसके थ्रू अटैच्ड होते हैं, प्लेक्टिन से अटैच्ड होते हैं. यहाँ पर ये जो पिक है ये आपको क्लियरली बता रहा है, यहाँ पर ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है या रेड कलर के जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं दैट इज योर इंटरमीडिएट फिलामेंट. और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के आपको फाइबर्स दिख रहे हैं दे आर योर माइक्रोट्यूब्यूल्स. और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से जो स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं जो कि दूसरे फिलामेंट को बाइंड कर रहे हैं, दूसरे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर को बाइंड कर रहे हैं, दीज आर योर प्लेक्टिन्स. क्या है ये आपके प्लेक्टिन्स है. सो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आज जो हम सेशन कर रहे हैं इस सेशन का आपको सिस्टमैटिकली पीडीएफ मिल जाएगा. ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ एसोसिएटेड ही होंगे. जो स्टूडेंट्स पहली बार सेशन देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज बायजूस एग्जाम प्रेप. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए. यहाँ पर आपको आज के सेशन का इंटरमीडिएट फिलामेंट का डिटेल्ड पीडीएफ मिलेगा. उसके अलावा अनदर थिंग इज कि आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट से रिलेटेड क्विज मिलेगी ऑन द एप्लीकेशन. ठीक है, ये दोनों ही चीजें कंप्लीटली फ्री है. जो नॉन पेड स्टूडेंट है वो भी इसे एक्सेस कर सकते हैं. एप्लीकेशन पर आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट की क्विज मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा. So you can go through the PDF, prepare this topic well and check whether you have learned it or not by attempting the quiz on application. आप application बहुत easily download कर सकते हैं Google Play Store से, that is Byju's Exam Prep, and you can come and avail these facilities. Then अगर हम बात करें foundation course के बारे में, so you can get 400 plus live classes, पूरी 13 units पढ़ाई जाती है systematically. Then आपको हर एक unit के बाद उसका study material मिलता है. हर सेशन के बाद उस सेशन उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्विज मिलती है और आपको 50 प्लस मॉक टेस्ट जो एग्जैक्टली एग्जाम जैसे होते हैं वो आपको मिलते हैं. सो बायजू विद बायजूस एग्जाम प्रेप यू कैन डू योर प्रिपरेशन वेरी वेल इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज कौन कौन फैकल्टीज हैं इन द लाइफ साइंस. सो वी हैव गॉट ललित सर, माई सेल्फ फरीदा एंड निलोफर मैम. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं कि ये जो रेडिएट हो रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट साथ में जिसके भी साथ एसोसिएटेड होंगे ये किसके थ्रू एसोसिएटेड होंगे, प्लेक्टिन. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रेडिएट थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ द एनिमल सेल्स एंड ऑफर इंटरकनेक्टेड टू द साइटोस्केलेटन फिलामेंट बाय वेरी थिन क्रॉस ब्रिजेस एंड दीज क्रॉस ब्रिजेस आर प्लेक्टिन. ठीक है, सो प्लेक्टिन वो मॉलिक्यूल है जो इसे दूसरी चीजों के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, सो रिमेम्बर दिस थिंग कि व्हाट प्लेक्टिन इज, प्लेक्टिन का फंक्शन क्या होता है. ये इंटरमीडिएट फिलामेंट को कनेक्ट करता है या किन्हीं और चीजों को कनेक्ट करता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम. अब यहाँ पर ईच प्लेक्टिन मॉलिक्यूल हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर एन इंटरमीडिएट फिलामेंट एट वन एंड. अब अगर प्लेक्टिन है, हम यहाँ पर एक प्लेक्टिन ड्रॉ करते हैं कि जैसे ये प्लेक्टिन है तो प्लेक्टिन के एक एंड पर तो ठीक है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट को बाइंड कर रहा है, दूसरे एंड पर ये किन किन चीजों को बाइंड कर सकता है. ये एक एंड तो इसका फॉर श्योर इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए होगा. जो दूसरा एंड है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए हो सकता है, माइक्रो फिलामेंट के लिए हो सकता है और माइक्रो ट्यूब्यूल के लिए हो सकता है. तीनों में से किसी के भी साथ एसोसिएटेड हो सकता है. सो एक एंड फॉर श्योर इंटरमीडिएट फिलामेंट और बाकी का जो एंड है वो या तो इंटरमीडिएट फिलामेंट या बाकी का बचा हुआ जो भी आपका साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है उससे प्लेक्टिन बाइंड करता है. ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है क्या ये पोलर होता है या नॉन पोलर होता है. दिस वॉज माई क्वेश्चन.
ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर किया, मुझे सभी स्टूडेंट्स इनका इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जल्दी से मुझे बताओ कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, क्या ये पोलर है या ये नॉन पोलर है? गिव मी द आंसर। यहाँ पे मुझे बहुत सारे न्यू नेम्स दिख रहे हैं, नाइस टू हैव यू ऑल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एंड यू कैन कम एंड अटेंड वेरी मेनी इंटरेस्टिंग सेशंस विच आर कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन। बहुत सारे सेशंस होते हैं, रेगुलरली डेली सेशंस होते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। सो यस, मैंने यहाँ पर पूछा था कि ये जो आपका एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट सॉरी माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, ये आपका पोलर है या नॉन पोलर है? सो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इट इज अ नॉन पोलर स्ट्रक्चर। किस तरह का स्ट्रक्चर है? इट इज अ नॉन पोलर स्ट्रक्चर। किस तरह से? देखो, अगर ये कोई भी एक प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड का चेन है, तो डेफिनेटली एक एंड पर सी टर्मिनल होगा, एक एंड पर एन टर्मिनल होगा। अब यहाँ पर ये दोनों मोनोमर्स जो है, ये मिलके एक डाइमर बनाते हैं, तो एन एन साथ में आ जाता है, सी सी साथ में आ जाता है। तो यहाँ पर तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसकी यहाँ पर पोलैरिटी है, पर जब ये टेट्रामर बनाता है तो यहाँ पर एक सी दिख रहा है और आप यहाँ पर आपको एक एन दिख रहा है। तो ये जब डाइमर टेट्रामर बनाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में टेट्रामर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस वजह से दे आर नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स। दिख रहा है सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कि इसका ये नॉन पोलर होने का क्या मेजर रीजन है? दिख रहा है? सो आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। हां जी प्रिंसू, गुड इवनिंग। सो द पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑल कंटेन अ सेंट्रल रॉड शेप्ड अल्फा हेलिकल डोमेन ऑफ सिमिलर लेंथ एंड होमोजीनस अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। जो भी एक टाइप का ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर बन रहा है वो होमोलोगस अमाइनो एसिड्स का होगा, सिमिलर लेंथ का होगा, और ये बहुत डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू योर ट्यूबुलिन या एक्टिन, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, इट इज नॉन पोलर बिकॉज द टू पॉलीपेप्टाइड्स आर अलाइन पैरेलल टू वन अनदर इन द सेम ओरिएंटेशन। जो डाइमर है वो पोलर है, पर जैसे ही हम आगे चलते हैं, विद वन एंड डिफाइंड बाय द सी टर्मिनल, पर हम जैसे ही आगे चलते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि ये टेट्रामर हो जाता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो इसकी पोलैरिटी यहाँ पर लॉस्ट हो जाती है। तो यही ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशनड है। आई होप वो पिक्चर सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि ये अपनी पोलैरिटी कहाँ पर लॉस्ट करेगा। तो जैसे ही मैंने पूछा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट पोलर है या नॉन पोलर है, तो मुझे जिन्होंने भी राइट आंसर दिया उन्होंने बोला कि मैम इट इज नॉन पोलर। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट डाइमर इज पोलर और नॉन पोलर, सो इन दैट पर्टिकुलर केस तो आप लिखोगे कि इट इज पोलर, पर अगर ये बना लेता है टेट्रामर, सो उस पर्टिकुलर केस में ये हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं कि अब जैसे कि हमने बात करा था जब माइक्रोफिलामेंट के बारे में, और जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बात करा था, तो हमने देखा था कि ये दोनों ही किसी ना किसी एनर्जी एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, किसी एनर्जी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है। तो क्या यहाँ पर भी आपका ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये किसी के साथ एसोसिएटेड है? जो हमने एनर्जी एसोसिएटेड बोला, तो एटीपी या जीटीपी के साथ एसोसिएटेड है। तो नन ऑफ दीज असेंबली स्टेप इज थॉट टू रिक्वायर द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इधर एटीपी और जीटीपी। जब हम माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं, तो हमने वहां पर देखा था कि इनकी बाइंडिंग जब होती है तो यहाँ पर एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एटीपी के साथ, या इट हैज गॉट एन एंजाइम। माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, दे हैव गॉट द एंजाइम टू ब्रेक डाउन दीज हाई एनर्जी कंपाउंड्स। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, ये कोई डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता है एटीपी या जीटीपी किसी के भी साथ। ठीक है, इट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड, हम यहाँ पर ये वर्ड यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि जो आपके फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट्स वर्ड से ही लगता है कि दे आर वेरी फ्रजाइल, दे आर वेरी वीक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, पर इंटरमीडिएट फिलामेंट की एक खासियत होती है कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये बहुत कम सेंसिटिव होता है किसी केमिकल एजेंट के लिए। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कि कोई केमिकल एजेंट क्या इंटरमीडिएट फिलामेंट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये कोई भी केमिकल एजेंट से बहुत इजीली डिस्ट्रॉय या सल्यूबलाइज नहीं होता है। आयनिक डिटर्जेंट एक्सट्रैक्ट
जस्ट अबाउट एवरी थिंग एक्सेप्ट द सेल्स इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो ये जो आयनिक डिटर्जेंट्स हैं ये भी माइक्रो फिलामेंट को अफेक्ट कर जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल को अफेक्ट कर जाएंगे, पर इंटरमीडिएट फिलामेंट इज स्टर्डी. तो इसके साथ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इट हैज गॉट स्ट्रेंथ. अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इट हैज गॉट स्ट्रेंथ. तो यहाँ पर केमिकल सोल्यूबिलिटी, आयनिक डिटर्जेंट्स के साथ एक्सट्रैक्शन की कैपेबिलिटी, ये सब कम हो जाती है. तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. ठीक है. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वर इनिशियली थॉट टू बी परमानेंट अनचेंजिंग स्ट्रक्चर. सो इट केम टू सरप्राइज टू फाइंड आउट दैट दे बिहेव डायनामिकली इन विवो व्हेन लेबल्ड केराटिन सब यूनिट्स आर इंजेक्टेड इनटू कल्चर्ड स्किन एंड दे आर रैपिडली इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो यहाँ पर जब ऐसा देखा गया कि ये किसी भी केमिकल एजेंट से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, ये किसी भी आयनिक डिटर्जेंट से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, इट मीन्स दे आर स्टेबल. यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, दे आर अनचेंजिंग स्ट्रक्चर्स. पर ऐसा नहीं है. जब देखा कि इन वाइवो सेल्स के अंदर इनका डायनामिक्स स्टडी किया गया तो पता चला कि ये डायनामिक होते हैं, डेफिनेटली स्टर्डी होते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि ये पैसिव होते हैं. दे आर डायनामिक स्ट्रक्चर. इनके अंदर भी कंटिन्यूसली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, असेंबली, डिसअसेंबली चलती रहती है. द रिजल्ट डिपिक्ट इन माइट रिफ्लेक्ट द एक्सचेंज ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द फिलामेंट डायरेक्टली इनटू द एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क. जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसके अंदर एडिशन एंड रिमूवल चलता रहता है. ठीक है. आई होप ये बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि किस तरह से ये प्रोसेस होती होगी. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक छोटे से स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है. नहीं, व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पर ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे उनके अंदर एडिशन और डिलीशन हो रहा है, असेंबली एंड डिसअसेंबली चल रही है कंटिन्यूअसली. उसके बाद यहाँ पर हम पिक्चर देखते हैं कि यहाँ पर आपको सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, और ये जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये रेडिएट हो रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर. देन अगर आप बात करो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जब माइक्रोफिलामेंट होते हैं उसके नीचे भी ये रेडिएट होते हैं और पूरे ही सेल के अंदर एक मेशवर्क बना के रखते हैं. ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहीं पर प्रेजेंट होंगे, ये हर तरफ ही मेशवर्क बना के रखते हैं. और उसमें भी अगर इनका एक स्पेसिफिक टाइप देखा जाए तो वो न्यूक्लियस के नीचे, न्यूक्लियर एनवेलप के जस्ट नीचे लैमिन हमें मिलेंगे. ठीक है. चलो आगे बात करते हैं. तो हमने यहाँ पर देखा कि लेमन्स जो है वो हमें कहाँ पर मिल रहे हैं. देन यहाँ पर केराटिन के बारे में थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं कि केराटिन फिलामेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ एपिथेलियल सेल्स. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि केराटिन कहाँ पर मिलता है, वाइमेंटिन कहाँ पर मिलता है, लेमन कहाँ पर मिलते हैं, ये वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन से स्ट्रक्चर्स के साथ स्पेशली एसोसिएटेड है, राइट. तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है एपिथेलियल सेल का, एपिथेलियल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होंगे. ठीक है. सो यहाँ पर जो केराटिन कंटेनिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो टाइप वन या टाइप टू देख लो जो कि एपिथेलियल सेल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये पूरे साइटोप्लाज्म में, ये पूरे साइटोप्लाज्म में यहां से वहां रेडिएट हो रहे होते हैं. Tethered to the nucleus envelope in the center of the cell, और center of the cell में nucleus के पास ये आकर attach हो जाते हैं. ठीक है. अब अभी हम जो figure देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि intermediate filament एक दूसरे के साथ और बाकी सारे जो cytoskeletal structures हैं उनके साथ भी associated होता है, कहीं पर भी ऐसे अकेला नहीं मिलता है कि it is just present separately. तो हम वो picture देखते हैं. यहाँ पर आप ये picture देख रहे हैं कि पहले तो ये intermediate filament है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर दिख रहा है. देन उसके बाद ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सभी के साथ एसोसिएटेड है, बहुत ही क्लोज सा मेशवर्क है. यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है दे आर गेटिंग एसोसिएटेड विद अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल. इट इज नॉट वेवरली प्रेजेंट. ऐसा नहीं है कि ये बस सेपरेटली प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अब आगे चलते हैं. इससे एसोसिएटेड एक डिजीज है जो कि हमें पता होना चाहिए, उसका नाम है एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स. ठीक है. दिस इज द नेम ऑफ द डिजीज. डिजीज बेसिकली क्या होती है कि यहां पर जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट ये मिसिंग होता है. तो जो स्किन है वो बहुत ही फ्रजाइल हो जाती है. द कंडीशन ऑफ द स्किन इट इज लाइक वेरी वेरी फ्रजाइल. ठीक है. अब यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए जब स्टडीज कैरी करी गई, माइस कैरिंग डिलीशंस इन द जीन एनकोडिंग K14 अ टाइप 1 केराटिन. अब टाइप 1 केराटिन है मतलब ये एपिथेलियल सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है.
तो बहुत सीरियस हेल्थ कंडीशन देखने पड़ी कि थोड़ा सा मैकेनिकल प्रेशर, मतलब जस्ट थोड़ा सा अगर रब हो रहा है स्किन पे, अगर कहीं पर भी टच हो रहा है तो उसकी स्किन वहां पर ब्लिस्टर कॉज कर जा रही है या फिर वहां से कट रही है। तो ये जो डिजीज होती है, ये एक रेयर स्किन कंडीशन होती है जो कि जेनेटिकली एसोसिएटेड होती है, और ये जो जीन रहता है ये केराटिन फॉर्मिंग जीन होता है, ठीक है। और उसमें भी अभी हमने type 1 एंड type 2 केराटिन के लिए देखा था, तो एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स इज फॉर योर type 1 केराटिन। type 1 केराटिन की वजह से ये डिजीज हो रही है, ठीक है। 3 सबसीक्वेंट एनालिसिस ऑफ EBS पेशेंट हैज शोन दैट दे कैरी म्यूटेशन इन द जीन दैट एनकोड्स द होमोलोगस K14 पॉलीपेप्टाइड, जो K14 पॉलीपेप्टाइड कैरी कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा अब एक दूसरा कंडीशन इससे एसोसिएटेड है, अगेन इनहेरिटेड कंडीशन है, नेम्ड डेस्मिन रिलेटेड मायोपैथी। इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट एनकोड्स डेस्मिन। अब डेस्मिन के लिए जो जीन है, अगर वहां पर म्यूटेशन हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में स्केलेटल मसल वीकनेस हो जाता है, कार्डियक एरिदमिया हो जाता है, इवेंचुअल कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो ये बहुत सारी जगह इश्यूज कॉज कर सकता है। जैसे कि अभी हमने केराटिन में अगर म्यूटेशन है तो इश्यू हो रहा है, देन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर डेस्मिन में इश्यू हो रहा है तो फिर होगा, देन अभी हम आगे चल के यहाँ पर देख रहे हैं कि वाइमेंटन जो है, वाइमेंटन के अंदर इश्यू होगा तो यहाँ पर अगेन कुछ ना कुछ टिश्यू स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगी। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट इज एसोसिएटेड विद वेरी मेनी कंडीशंस, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी बातें कर रहे थे रिगार्डिंग अपकमिंग सेशन, रिगार्डिंग फाउंडेशन बैचेस, बहुत सारी यहाँ पर क्वेरीज भी आ रही थी कि किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन नोट डाउन दिस कॉन्टैक्ट नंबर और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दे विल बी कॉलिंग यू और दे विल बी गिविंग यू अ कॉल बैक, जिससे कि आप आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप एप्लीकेशन पर एक कॉल बैक का ऑप्शन है, आप वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अवर टीम, ठीक है। सो हमारे जो सरप्राइजेस हैं, दैट इज कि आपको इसका PDF मिलेगा और आपको इसका क्विज मिलेगा ऑन एप्लीकेशन। सो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दे कैन गो ऑन द एप्लीकेशन एंड दे कैन अटेम्प्ट द क्विज। अब यहाँ पर इस सेशन को एक क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देमसेल्व्स हेल्प टू बियर दिस इन द सेल। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट, आई थिंक क्वेश्चन तो ऊपर का क्लियर दिख रहा होगा, ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे। पहला है DNA, दूसरा है टेंशन, सी इज एंजाइम प्रोडक्शन एंड डी इज योर मोबिलिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप, देन यू कैन इवन ज्वाइन माय ग्रुप, दैट इज बायोफिक्स बाय फरीदा। आप ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी ही इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग क्लासेस, PDF एंड एवरीथिंग यू कैन गेट ऑन दीज ग्रुप्स, राइट। सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स, इस सेशन को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितनी ज्यादा आप रीच इंक्रीज करेंगे इन सेशंस की, वी आर गोइंग टू गेट द मोटिवेशन, वी आर गोइंग टू गेट दैट एंथुजियाज्म टू डू सच मोर सेशंस। सो कीप शेयरिंग सच सेशन विद योर फ्रेंड्स, आपके कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, शेयर इट एवरीवेयर, सो दैट ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस हो सके। सो दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी एंड कीप ऑन स्टडिंग। Thank you.